नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 20 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज होगी छठ की पहली अर्घ। आज शाम पहला अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा का यह अर्घ सभी व्रती शाम को घाट नदी के किनारे या तालाब में जाकर देंगे। इस दौरान सभी व्रती अपने सिर पर दौरा को रखकर शाम को सूर्य देवता को छठ का पहला अर्घ देंगे। पहले अर्घ के बाद कल सुबह दूसरा अर्घ दिया जाएगा। इस अर्घ की सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी इसके कई फायदों के बारे में बताया गया है। शाम के अर्घ के दौरान सभी लोग परिवार सहित इकट्ठा होकर एक साथ पूजा के लिए निकलेंगे। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या मिली 700 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या 700 के पार मिली है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 794 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,29,474 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 245 नए मामले मिले हैं, वहीं भागलपुर में 33 नए मामले सामने आए हैं। नवादा के झिकरुआ के सूर्य मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। आस्था के महापर्व छठ के त्यौहार में बिहार रंगा नजर आ रहा है। लोगों में छठ को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग भारी संख्या में छठ करने पहुंचते हैं, जिनमें से एक नरहट प्रखंड के झिकरुआ गांव का सूर्य मंदिर स्थित छठ घाट भी है। मान्यता है कि यहां आकर सच्चे मन से मन्नत मांगने और छठी मैया के पूजन करने पर भगवान भास्कर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लोगों की पूरी होती मनोकामना को देखकर अन्य राज्यों और जिलों से श्रद्धालुओं की भीड़ भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। लोगों की आस्था और बढ़ती भीड़ को देखते हुए झिकरुआ को राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थल में शामिल किया है। अगले दो दिनों में बढ़ेगी धुंध। छठ के शुरू होते ही बिहार में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले दो दिनों में बिहार में कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दो दिन में सूबे के कई इलाकों में धुंध में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पारा भी 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बुधवार की शाम कुछ देर के लिए पटना के मौसम में बदलाव हुआ और मामूली बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर मौसम साफ रहा। हालांकि गुरुवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए देखे गए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड की तरफ से एक मौसमी सिस्टम बना है, हालांकि वो इतना प्रभावी नहीं कि बारिश करा सके। बिहार पुलिस और होमगार्ड में कांस्टेबल परीक्षा की तारीख हुई जारी। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा अगले साल 3 जनवरी को आयोजित होगी। इसके साथ ही होमगार्ड की परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। फिजिकल एफिशियंसी ड्राइवर एलिजिबिलिटी टेस्ट से 1,722 ड्राइवर कांस्टेबल का चयन करेंगे। हालांकि इससे पहले यह परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा था। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान परीक्षा केंद्र नहीं मिलने पर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भावना कंठ की। आज हम भावना कंठ की बात करेंगे। भावना कंठ देश की उन हस्तियों में शामिल है जिन्हें पहली बार भारतीय सेना का जेट विमान उड़ाने का मौका मिला। देश की तीन महिला मोहन सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भावना कंठ को भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला पायलट के रूप में शामिल किया गया था। भावना कंठ का जन्म 1 दिसंबर 1992 को बरौनी में हुआ था। भावना कंठ का भारतीय वायुसेना में एक पायलट बनने का बचपन से ही सपना था। भावना कंठ ने एनडीए के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की थी और फिर उन्होंने भारतीय वायुसेना की परीक्षा दी और सफल हुई थी और भारत की पहली महिला पायलटों में से एक बन गई थी। बिहार में सरकार बनने के बाद 5 नए मेडिकल अस्पतालों के निर्माण कार्य में आएगी तेजी। बिहार में कोरोना के माहौल में और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए गए आचार संहिता के कारण राज्य में नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। हालांकि नई सरकार के गठन के साथ ही इनमें भी तेजी आ गई है, जिसमें राज्य के सीतामढ़ी, झंझारपुर, पूर्णिया, छपरा और समस्तीपुर में 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है, जिनका कार्यारंभ पहले ही हो चुका है। इतना ही नहीं, नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के बाद दूसरे प्रदेशों में जाकर इलाज करवाने वालों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बीएयू की पहल से अब वर्चुअल चौपाल से जुड़कर किसान सीखेंगे खेती के गुण। बिहार में अब किसान चौपालों को भी वर्चुअल करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के माहौल में लगने वाले एक्चुअल चौपाल में किसानों की उपस्थिति कम हुई तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय ने यह व्यवस्था की है। 9 नवंबर को पहली ई किसान चौपाल के साथ यह व्यवस्था राज्य में लागू हो गई है, जिसके बाद अब हर महीने 4 चौपाल लगाए जाएंगे। सभी चौपालों से अलग अलग विषय पर किसानों से बातचीत भी की जाएगी, जिसके बाद बीएयू ने कैलेंडर तैयार कर लिया है।
बिहार सरकार ने 72 हाई स्कूल के शिक्षकों की सैलरी में किया इजाफा। बिहार के 72 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक को 1 अप्रैल 2020 को पुनरीक्षित मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही इस कोटि के स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से ही ईपीएफ स्कीम का लाभ मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को ही संकल्प जारी कर दिया है। हालांकि सैद्धांतिक और नीतिगत तौर पर पहले से ही इसे मंजूरी दे दी गई थी, जिसका लाभ 27 मई 2011 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा। आज से चलेगी 7 इंटरसिटी और 5 मेमू ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना से सहरसा जयनगर समेत 7 जगहों के लिए कुल 7 इंटरसिटी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत यह ट्रेनें 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। हालांकि ध्यान रहे, कोई भी यात्री बिना रिजर्वेशन के इसमें यात्रा नहीं कर सकेंगे, जिसके तहत रेल मंडल के दरभंगा, जयनगर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर से हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद और उधना के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। छठ महापर्व पर पटना समेत 12 जिलों में अतिरिक्त बलों की हुई तैनाती। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, वहीं आज शाम को पहला अर्घ दिया जाएगा, जिसको लेकर सूबे के 12 जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है, जो कि छठ पर्व के संपन्न होने के अगले दिन तक जारी रहेगी। छठ के बाद ही अधिकारी और जवान उन स्थानों पर लौट जाएंगे जहां उन्हें पदस्थापित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक छठ पर्व को लेकर बीएमपी और अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति 5 दिन के लिए की गई है, जो 18 से शुरू हो चुकी और 22 नवंबर तक रहेगी। 30 नवंबर को यह अपने बटालियन में लौट जाएंगे। वकालत नहीं करने वाले वकीलों का लाइसेंस रद्द करने की शुरू हुई तैयारी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब ऐसे वकीलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो वकालत नहीं करते हैं। ऐसे वकीलों का लाइसेंस अब रद्द किया जा सकता है। इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूची तैयार करने की जानकारी दे दी है। जो कोर्ट न आकर दूसरा काम करने में लगे रहते हैं, सभी बार संघों से इसकी प्रारंभिक सूची 31 दिसंबर तक जारी करने की बात कही गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार प्रत्येक वकील को कम से कम 1 साल में 1 वकालतनामा कोर्ट में दायर करना होगा। इसके साथ ही वकील शपथ पत्र भी देंगे कि वो और किसी अन्य धंधे में नहीं है और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने प्रोटेम स्पीकर बने मांझी को दिलाई शपथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीते दिन प्रोटेम स्पीकर के पद पर शपथ ग्रहण कर लिया है। जीतन राम मांझी को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलवाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजभवन में एक समिति कार्यक्रम के दौरान उन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद पर शपथ दिलवाई गई है, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सभी निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा के सदस्यता की शपथ दिलवाएंगे, जो 23 नवंबर से शुरू हो रही है। कार्यभार संभालते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बहुमत के बाद सभी विभागों को मंत्रियों के बीच में बांट दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक बार फिर से मंगल पांडे को ही सौंप दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार संभालते ही मंगल पांडे भी एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने कोरोना की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दिया इस्तीफा। बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। एआईसीसी की बैठक में प्रभारी और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने वाले मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मेवालाल चौधरी के ऊपर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के इल्जाम से परेशान होकर ही उन्होंने यह कदम उठाया है। मेवालाल चौधरी की शिक्षा मंत्री बनने की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार उनके ऊपर लगाए गए आरोप का जवाब मांग रहे थे। दरअसल उनके बीएयू सबौर में वीसी रहते प्रोफेसर नियुक्ति में धांधली हुई थी। तत्कालीन वीसी रहे मेवालाल चौधरी पर आरोप लगने के बाद राज्यपाल के आदेश पर जांच करवाई गई थी। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए थे।
जल्द ही कोलकाता और दरभंगा के बीच शुरू हो सकती है विमान सेवा। दरभंगा और कोलकाता के बीच उड़ान सेवा बहाल किए जाने पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा से 3 शहरों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा में यात्रियों की आवाजाही से उत्साहित विमानन कंपनी भी नई सेवा शुरू करने का मन बना रही है, क्योंकि बंगाल और मिथिला के बीच 5 दशक पहले भी विमान सेवा के बाद कोलकाता के लोग काफी दिनों से दरभंगा के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते आ रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए दरभंगा और कोलकाता के बीच उड़ान सेवा बहाल होने वाली है। विभाग संभालते अशोक चौधरी ने युवाओं को रोजगार सृजन कराने की कही बात। विभागों के बंटवारे के बाद अशोक चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए टेक्निकल स्कूल खुलेंगे, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का रोजगार पर पूरा फोकस रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन अशोक चौधरी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि पिछले मंत्री के किए गए कामों को आगे बढ़ाएंगे। नए कोइलवर पुल पर शुरू हुआ ट्रायल रन। कोइलवर पुल पर ट्रायल का काम शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोन नदी पर कोइलवर में नए 6 लेन पुल का 3 लेन वाला एक हिस्सा बनने के बाद इस पर 7 दिनों का ट्रायल रन शुरू हो गया है, जिसके बाद इस पुल को अब आरा से पटना की तरफ जाने वाले सभी तरह की गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी पटना की तरफ से जाने वाले अप्रोच रोड का निर्माण नहीं करवाया गया है। सब कुछ सही रहा तो इस पुल का औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर को होने की संभावना है। हालांकि तब तक पटना से आरा की तरफ जाने वाली गाड़ियां फिलहाल पुराने कोइलवर पुल से होकर ही जाएंगे। इस पुल के शुरू होने से लोगों को जाम से मुक्ति मिली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। आज कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। खासकर उपग्रह को 1981 में छोड़ा गया था। आज ही के दिन पीवी सिंधु ने 2016 में चाइना ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में चीन की सुन यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर पहला सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया था। महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1989 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध कवित्री निर्मला ठाकुर ने साल 2014 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पी रंजन दास मुंशी ने साल 2017 में दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था। आईपीएल 2020 खत्म होने के बाद फैमिली वेकेशन पर दुबई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों अपनी फैमिली और कुछ दोस्तों के साथ दुबई में है। आईपीएल का 13वां संस्करण खत्म हो गया है। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स हालांकि इस बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी और सीएसके के लीग मैच के बाद धोनी स्वदेश लौट गए थे। हाल ही में वो अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ दुबई में देखे गए हैं। जीवा धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से द पाम जुमेरा की फोटो और वीडियो भी शेयर की गई है। साक्षी का बर्थडे भी अच्छे से मनाया गया और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए धोनी वेकेशन पर गए हुए हैं। अमाल मलिक का पॉप डेब्यू सॉन्ग तू मेरा नहीं सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। बॉलीवुड हिटमेकर और सुप्रसिद्ध संगीतकार अमाल मलिक का नया गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अमाल मलिक का पॉप डेब्यू सॉन्ग तू मेरा नहीं सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अमाल मलिक ने अपना पहला पॉप सिंगल तू मेरा नहीं रिलीज किया है, जिसे अमाल ने ही अपनी आवाज दी है। यह गाना अब श्रोताओं से खूब तारीफें बटोर रहा है। इस गाने के रिलीज होते ही 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं कई सेलिब्रिटीज ने भी अमाल को अपने नए गाने की सारी शुभकामनाएं दी है। वही अमाल ने कहा है कि तू मेरा नहीं यह गाना सभी अमालियंस के लिए एक प्यारी सी भेंट है, मेरे साथ नहीं मुझे स्वतंत्र म्यूजिक में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। दुनिया में धाक जमा रहा भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। तकनीक के क्षेत्र में भारत अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आपको बता दें, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर अब दुनिया में अपनी धूम मचा रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान NSM के तहत निर्माण किया गया परम सिद्धि नाम का भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में 63वां स्थान मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह जानकारी दी है। DST के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचनाओं के केंद्र में से एक है और यह परम सिद्धि AI की रैंकिंग ने साबित कर दी है। क्लासिक हैंगआउट से करें लोकल और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल। गूगल हैंगआउट ने
गूगल हैंगआउट के जरिए लोकल और इंटरनेशनल कॉल करने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। एंड्रॉइड कंप्यूटर और आईफोन के माध्यम से हैंगआउट के जरिए बात की जा सकती है। सिस्टम से एक माइक्रोफोन और स्पीकर कनेक्ट करें और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करें जहां हैंगआउट कॉलिंग उपलब्ध है। उन सभी देशों से अमेरिका और कैनेडा के लिए फ्री कॉल है। इन दोनों देशों में कुछ जगहों पर कॉल करने के लिए कुछ चार्ज देना होता है। इंटरनेशनल कंट्री कोड एंटर करने के लिए मेन्यू पर क्लिक करें या सर्च बॉक्स में टाइप करें, वहीं फोन नंबर पर क्लिक करें और उस व्यक्ति के नाम पर क्लिक करें जिससे आप कॉल करना चाहते हैं। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,900 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,100 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्याम रविदास, नॉलेजेबल आइडिया, निर्भय कुमार, जय कृष्ण कुमार, विकी कुमार, सौरभ कुमार, रवि यादव, शिव शंकर, धीरज कुमार, मोहम्मद ताहिर, पप्पू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, राजा राय, इंतजार आलम, अमित भगत, मंतोष कुमार, विपिन कुमार, विनोद कुमार यादव, उमेश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी को खुद को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।